एनआईसीयू में लापरवाही के चलते एक और मासूम की गई जान। बहुजन समाज ने 31 अक्टूबर को भीलवाड़ा बंद की दी चेतावनी। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय की मातृ एवं शिशु इकाई में हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही के चलते एनआईसीयू के वार्मर में टेम्परेचर ज्यादा होने के चलते इलाज के दौरान आज एक और बालक की भी मौत हो गई। बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। वहीं बहुजन समाज के प्रतिनिधियों ने दोनों बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता और दोषियों के खिलाफ आज शाम तक कार्रवाई नहीं होती है तो भीलवाड़ा बंद की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि एनआईसीयू में बढ़ती एक बालिका की मौत के बाद बहुजन समाज ने उग्र प्रदर्शन किया था। समाज प्रतिनिधि पंकज डिडवाणिया ने बताया कि मातृ शिशु चिकित्सालय के एनआईसीयू वार्ड में हुडा निवासी विष्णु खटीक का पुत्र आदित्य भर्ती था, लेकिन वार्मर की अत्यधिक गर्मी से वह झुलस गया और उसे गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर रखा गया था, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पूर्व चित्तौड़गढ़ जिले के पप्पू वैष्णव की 21 दिन की पुत्री भी भर्ती थी, जिसकी तो 2 दिन पहले ही जलने से मृत्यु हो गई। इसको लेकर हमने कल प्रदर्शन भी किया था और प्रशासन ने हमें आज शाम तक कार्रवाई का आश्वासन दिया। अगर कार्रवाई नहीं होती है और दोनों बच्चों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जाता है तो बहुजन समाज द्वारा 31 अक्टूबर को भीलवाड़ा बंद कराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पीएमओ अरुण गौड़ ने बताया कि लापरवाही स्टाफ के खिलाफ जांच कमेटी बिठा दी गई है और त्वरित रूप से कमेटी अपना कार्य कर रही है। यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकर्ताओं की मुख्य मांग लापरवाह कर्मचारियों को बर्खास्त करना है और इस पर अमल किया जाएगा। महात्मा गांधी हॉस्पिटल भीलवाड़ा जो एसएनडी का हॉस्पिटल है, इसके अंदर कल जो एक हादसा हुआ था जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई थी और एक बच्चा रात को देर रात इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। कल हमने धरना प्रदर्शन भी किया था जिसमें डॉक्टर की लापरवाही साफ जाहिर होती है और हमें कल पूजा सक्सेना जी एसडीएम साहब और सीओ सिटी पीएमओ साहब के द्वारा एक आश्वासन दिया गया था कि आज शाम तक हमें मुआवजा और उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर प्रशासन ये उचित कार्रवाई नहीं करता है तो सोमवार 31 अक्टूबर को हम भीलवाड़ा बंद और उग्र आंदोलन के रूप में ये कार्रवाई जारी रखेंगे। हमारी मांगे है कि जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा मिले, दोनों बच्चों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो दोषी कर्मचारी हैं उन लोगों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। हुडा के रहने वाले हैं, आदित्य नाम है, 16 दिन का बच्चा था, 22 तारीख को एडमिट करवाया और गर्म हीटिंग को ज़्यादा देने की वजह से वो सुलझ गए थे और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। मामले की त्वरित गति से जाँच की जा रही है। आज परिजनों के सहयोग से और प्रशासन की तत्परता से बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और सभी पक्षों को साथ लेकर उनकी बात को समझकर प्रशासन संवेदनशील तरीके से अपना काम कर रहा है। आज जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी, दोषी जो भी होगा उसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। सर, सबसे बड़ी मांग इनकी यही थी कि जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसके लिए हमने जो इंक्वायरी कमेटी गठित की थी उसको निर्देशित किया है कि अपनी रिपोर्ट जितना जल्दी हो सके पेश करें ताकि दोषियों को बख्शा नहीं जाए।